हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल टेक गाइड वसीम। तो आज की वीडियो में आपको दिखाएंगे कि आप आर्मी ऑर्डनेंस क्रॉप्स के जो फॉर्म निकले हैं वो अप्लाई कैसे करोगी, जो कि ट्रेड्समैन मेट और फायरमैन की पोस्टें आई है उसके लिए अगर आप एलिजिबल हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बात की जाए इसकी क्वालिफिकेशन की, अगर आप 10th पास आउट हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो बात की जाए एज लिमिट की, आपकी जो एज है इसमें 18 से 25 होगी, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसेस दिखाएंगे कि आप आर्मी ऑर्डनेंस क्रॉप जो कि फायरमैन और ट्रेड्समैन की पोस्टें आई है उसके लिए अप्लाई कैसे करोगे। तो आपको आना होगा अपने मोबाइल फोन पीसी या कंप्यूटर के ब्राउजर पे। ब्राउजर पे आने के बाद आपको सर्च करना होगा आर्मी ऑर्डनेंस क्रॉप्स। आर्मी ऑर्डनेंस क्रॉप्स यहाँ पे आपके सामने www.ocrrecruitment.gov.in का ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा। तो आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, वहां से आप क्लिक करके डायरेक्टली साइट पे आ जाओगे। तो आपको ये वाला वेबसाइट ओपन कर देना है। वेबसाइट ओपन करने के बाद उसके बाद आपको यहाँ पे साइड पे एक ऑप्शन आ रहा है लॉगिन का, तो आपको यहाँ पे कैंडिडेट लॉगिन साइन अप पे क्लिक करना। अगर आपने पहले से ही कोई फॉर्म भरा है आर्मी ऑर्डिनेंस का तो आपको यहाँ पे पहले से ही रजिस्ट्रेशन होगी, तो आपको यहाँ पे कैंडिडेट लॉगिन पे क्लिक करना होगा। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो साइट पे तो आपको यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करना होगा। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने कैंडिडेट लॉगिन पेज आ जाएगा। अगर आपके पास लॉगिन आईडी है, इसमें जो आपकी लॉगिन आईडी वो आपकी ईमेल आईडी रहेगी। यहाँ पे आपको एक पासवर्ड आपने जो क्रिएट किया, अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन किया है तो आप यहाँ से डाल के लॉगिन कर सकते हो। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो आर्मी ऑर्डिनेंस क्रॉप की साइट पे तो आपको यहाँ पे क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करना है। क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जो गाइडलाइंस दी है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम, तो आपको यहाँ पे अपनी गाइडलाइंस चेक कर लेनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम अपना डाल देना है जो आपके मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट पे होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना मिडल नेम डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना लास्ट नेम डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर देनी है। डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको अपना फादर फुल नेम डालना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना जेंडर सिलेक्ट कर देना है। जेंडर सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर फिल करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डालनी होगी। ईमेल आईडी केयरफुली डालना क्योंकि आपका जो लॉगिन नेम है वो ईमेल आईडी आपकी रहेगी। उसके बाद आपको यहाँ पे एक पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालने के बाद आपको यहाँ पे कंफर्म करना है, अपना न्यू पासवर्ड डालना है, वही सेम पासवर्ड जो आपने यहाँ पे फिल किया। उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा शो हो रहा है, ये आपको यहाँ पे फिल करना है। फिल करने के बाद आपको रजिस्टर लॉगिन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके ईमेल आईडी पे एक ओटीपी सेंड किया जाएगा और साथ में आपके मोबाइल नंबर पे भी एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। तो आपको यहाँ पे दोनों ओटीपी अलग अलग जो आएंगे वो फिल करने। ओटीपी फिल करने के बाद आपको यहाँ पे एक कैप्चा जो आपको यहाँ पे शो हो रहा है वो यहाँ पे डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करना है। अगर आपको ओटीपी नहीं आया होगा तो आप यहाँ से रिसेंड ओटीपी कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करना है। वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करने के बाद आपको दिखाएगा वेरिफिकेशन कंप्लीटेड नो लॉगिन आईडी विद। तो आपको यहाँ पे लॉगिन आईडी आपकी जो ईमेल आईडी है वो ही रहेगी, तो आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद आप रिडायरेक्ट हो जाओगे वापिस आर्मी ऑर्डिनेंस क्रॉप की साइट पे। तो आपको यहाँ पे अपना एंटर करना होगा लॉगिन नेम जो कि आपकी ईमेल आईडी रहेगी। उसके बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड डालना है जो आपने क्रिएट किया था। पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे आपको कैप्चा फिल करना है जो यहाँ पे आपको शो हो रहा है। कैप्चा शो होने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई है कि आप जब अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे तो आपको यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई है। तो आपको यहाँ पे सब पे टिक कर देना है कि आपको यहाँ पे अपनी सारी इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ देनी है। सारी इंस्ट्रक्शंस पे टिक करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको फिर से सिलेक्ट करना होगा आई हेयर बाय डिक्लेयर। ये सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे एग्री एंड कंटिन्यू टू फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका जो एडवर्टाइजमेंट फॉर एआरसी 2023 तो आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे अपना पोस्ट सिलेक्ट कर देना। अगर आप फायरमैन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको यहाँ पे फायरमैन सिलेक्ट कर देना। अगर आप ट्रेड्समैन मेट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप यहाँ से ट्रेड्समैन मेट सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे
जो कास्ट है आपको अपनी सिलेक्ट कर देनी है कि आप अनरिजर्वड हो, एसटी हो, एससी हो, ओबीसी जो भी होंगे आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे दूसरी कैटेगरी सिलेक्ट कर देनी है। यहाँ से अगर आप पीडब्ल्यूपीडी हो या मैनिट्रो स्पोर्ट्स पर्सन हो तो आप, या आप एक्स सर्विसमैन है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे नेशनलिटी जो है वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट आएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे बता रहा है रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो फायरमैन के लिए जो है वो 10th रखी गई है, वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आपको अगर कोई एज रिलैक्सेशन है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर देंगे। अगर आपको कोई एज रिलैक्सेशन नहीं चाहिए तो आपको यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करना होगा। उसके बाद बताएगा डिटेल्स वन सेव इट कैन नॉट बी अमेंडेड लेटर। अगर आप यहाँ पे अपनी डिटेल्स सेव कर देते हैं तो आपको यहाँ पे अपनी डिटेल्स केयरफुली चेक करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक न्यू एप्लीकेशन टू कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिखाएगा एप्लीकेशन जनरेटेड सक्सेसफुली, प्लीज फिल डिटेल्स, सबमिट एप्लीकेशन। तो आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपकी जो डिटेल्स है वो आ जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पे मदर नेम फिल करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना रिलीजन सेलेक्ट कर देना है, जो भी आपका रिलीजन होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना फोन नंबर सेलेक्ट कर देना है अगर आपके पास है तो। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर फिल करना है। आधार नंबर फिल करने के बाद यहाँ से आपको अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कर देना है कि आप सिंगल हो या मैरिड हो। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना आइडेंटिफिकेशन मार्क जो कि आपका निशान होगा बॉडी पे, आपको वो डालना है कि आप किस कैसे पहचाने जाओगे। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी स्टेट सेलेक्ट कर देनी है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि आप कब से कब तक यहाँ रह रहे हो। आपको अपनी डेट डाल देनी है कि जो कि आपकी पीआरसी या डोमिसाइल पे होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस फिल करना है। यहाँ पे आपको अपना हाउस नंबर, उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी स्टेट सेलेक्ट कर देनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना पोस्ट ऑफिस एड्रेस फिल करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे पिन कोड फिल कर देना है। उसके बाद आपको बता रहा है अगर आपका परमानेंट एड्रेस जो है वो सेम एज अ कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस है तो आपको यहाँ पे इस पे टिक करना होगा। इस पे टिक करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे आ जाना है। अगर आपको कास्ट के अलावा आपकी कोई सब कास्ट है तो आपको यहाँ पे डाल देनी है। आपको अपनी यहाँ पे सब कास्ट डालनी है। सब कास्ट डालने के बाद उसके बाद आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक करना होगा। सेव पे क्लिक करने के बाद आपको दिखाएगा डाटा सेव इट सक्सेसफुली। उसके बाद आपको ओके कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एजुकेशनल एंड एडिशनल डिटेल्स पे क्लिक करना होगा। एजुकेशनल एंड एडिशनल डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल के साइड पे आ रहा है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना रोल नंबर 10th का फिल करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे स्कूल कॉलेज नेम फिल कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी स्टेट सेलेक्ट कर देनी है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको आपके जो बोर्ड लिस्ट्स हैं वो आ जाएगी। अगर यहाँ पे आपका जो बोर्ड का नेम है वो नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से अदर सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग सेलेक्ट कर देना है कि आपने 10th कब पास किया। उसके बाद आपको यहाँ पे अपने टोटल मार्क्स फिल करने हैं। अगर आपका रिजल्ट जो है वो सीजीपीए में आया है तो आप यहाँ से अपने सीजीपीए मार्क्स अपलोड यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद आपकी जो एग्रीगेट परसेंटेज है आपको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी एडिशनल डिटेल्स डालनी है तो आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन वाले नीचे सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट करने के बाद अगर आपकी क्वालिफिकेशन 12th पास है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपकी हायर क्वालिफिकेशन है आपको यहाँ पे डालनी है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे अपना रोल नंबर फिल करना है, जो भी आपका रोल नंबर होगा हायर क्वालिफिकेशन का। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना स्कूल कॉलेज नेम डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर देनी है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको अपना बोर्ड यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर देना है, जो भी होगा। अगर आपको इसमें नाम नहीं आ रहा है आपकी बोर्ड या यूनिवर्सिटी का तो आप यहाँ से अदर सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे अदर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको अपना बोर्ड नेम या यूनिवर्सिटी नेम फिल करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे पासिंग ईयर फिल करने के बाद आपको यहाँ पे अपने टोटल मार्क्स फिल करने। उसके बाद अगर आपका सीजीपीए में रिजल्ट है तो आपको इस पे सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी परसेंटेज सेलेक्ट कर देनी है। अपनी सारी क्वालिफिकेशन डिटेल्स फिल करने के बाद आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक करने के बाद आपको दिखाएगा डाटा सेव इट सक्सेसफुली। उसके बाद आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन आ रहा है अदर डिटेल्स का, तो आपको इस पे क्लिक करना है। अदर डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद
उसके बाद आपको दिखा रहा है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, तो आपको यहाँ पे नो सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपको फिर से यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिखाएगा डाटा सेव इट सक्सेसफुली, आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको यहाँ पे फिर एक और ऑप्शन आ रहा है अपलोड डॉक्यूमेंट का, तो आपको इस पे क्लिक करना है। अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको अपना फोटो अपलोड करना है, जिसका जो साइज है वो 10 से 25 KB तक रहेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी सिग्नेचर अपलोड करनी है, जिसका साइज 10 से 25 KB तक रहने वाला है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी आईडी कार्ड, जो कि आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी या पासपोर्ट, जो भी आपके पास अवेलेबल होगा, आप वो सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर सिलेक्ट कर देना है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको चूज फाइल पे क्लिक करना है और अपना डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर देना है। इसका जो साइज है वो 30 से 50 KB में रहेगा आपके आईडी कार्ड का। उसके बाद आपको मैट्रिकुलेशन, जो कि 10th सर्टिफिकेट पास आउट है, वो आपको यहाँ पे चूज करनी होगी और अपलोड करनी होगी। उसका भी जो साइज है आपकी 10th मार्कुलेशन सर्टिफिकेट का, वो 30 से 50 KB तक रहने वाला है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक एक करके अपनी सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो चूज कर देने हैं। चूज करने के बाद उसके बाद आपके जो यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगे। सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने के बाद आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक करने के बाद आपको दिखाएगा डाटा सेव इट सक्सेसफुली, तो आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन का एक ऑप्शन आ रहा है, तो आपको इस पे क्लिक करना है। डिक्लेरेशन पे क्लिक करने के बाद उसके बाद आपको यहाँ पे एग्जाम सिटी चूज करनी होगी। तो यहाँ पे आपको अपनी एग्जाम सिटी जो है वो एक एक करके सारी सिलेक्ट करनी होगी। सारी सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे जो आपका पोस्टिंग रीजन, जो कि प्रेफर्ड लोकेशन रहेगा, आपको यहाँ पे फिर से सिलेक्ट ऑल कर देना है। जो भी आपको रीजन सिलेक्ट करने, यहाँ से आपको सारे जो रीजन है वो सिलेक्ट कर देने हैं। सारे रीजन सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे आई हेयर बाय डिक्लेयर और आपको साथ में आई एक्सेप्ट टर्म्स पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे प्लेस डालना है कि आप कहाँ से इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा डालना है। कैप्चा डालने के बाद आपको यहाँ पे प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करना है। प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रिंट व्यू ऑफ एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। यहाँ से आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट कर सकते हो। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर दोस्तों अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करना ना भूले। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।